नमस्कार, मैं अनिमा कुमारी बिहार शिक्षा परियोजना पूर्णिया के सौजन्य से आज आप सभी के सामने एफएलएन किट में दिए गए सामग्री के साथ आई हूँ। चलिए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपके माता पिता या आप कोई भी सदस्य जब कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ से जब आप वस्तुएँ खरीदते हैं तो वस्तुओं के बदले में आप क्या देते हैं? जी हाँ, वस्तुओं के बदले में आप उन्हें पैसे देते हैं। तो क्या आपने पैसे देखे हैं? आप बता सकते हैं इन चीज़ों को आप पहचान पा रहे हैं? सही बताया आपने, ये सभी क्या है? ये रुपए हैं। इन्हें आप कहाँ देखते हैं? जी हाँ, इन्हें आप अपने घर में सदस्यों के पास, माता पिता के पास, और जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास भी ये पैसे होते हैं। आप इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? आप इनका प्रयोग, सही बताया, वस्तुओं को खरीदने में करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ये कितने कितने के रुपए हैं? जी हाँ, ये कितने रुपए हैं? हाँ, 1 रुपए के नोट हैं। और ये कितने रुपए का नोट है? जी हाँ, यह 10 रुपए है। सही बताया आपने। तो अब आप ये बताइए, आप इन्हें पहचान कैसे पाते हैं? क्या ये दोनों नोट जो है वो एक समान है? ये कितने के हैं? ठीक, बिल्कुल सही, ये 10 रुपए के हैं और ये 20 रुपए के हैं। तो आप इनकी पहचान किस प्रकार से करते हैं? क्या आप इन्हें बता सकते हैं? सही बताया, हम इनकी पहचान इस पे लिखे अंक के द्वारा करते हैं, यानी प्रत्येक नोट में अलग अलग अंक दिए रहते हैं। तो इस तरह से हम जान पाते हैं कि ये कितने रुपए के नोट हैं। तो आइए देखते हैं इस रुपए में आपको और क्या क्या दिखता है। जी हाँ, इसमें हमें यहाँ देखिए एक चित्र दिख रहा है। आप बता सकते हैं ये किसका चित्र है? ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र है। सही बताया आपने, इसमें अंक अंकित रहते हैं। और क्या रहता है? हाँ, यहाँ पर देखिए आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, यानी ये भारत में चलने वाली करेंसी है। हम लोग रुपए को इंग्लिश में करेंसी भी कहते हैं। और क्या दिख रहा है? इसके पीछे तरफ देखिए, यहाँ एक चक्र भी दिखता है ना। अब आते हैं कि इस प्रत्येक नोट में आपको और क्या क्या विशेषताएं दिख रही है। सही बताया आपने, इन सभी की संख्याएं अलग अलग हैं। और क्या दिखती है? इन सभी के रंग भी अलग अलग हैं। तो रंगे के द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि क्या कितने कितने के रुपए हैं। अब आप बता सकते हैं क्या सभी नोटों की लंबाई एक समान है? देखते हैं हम इन्हें। क्या यहाँ हम देख पा रहे हैं सभी नोटों की लंबाई क्या एक समान है? जी हाँ, ये सभी नोट एक समान नहीं है, इसकी लंबाई भी क्या है? अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी लंबाई भी अलग अलग है, इनके रंग भी अलग अलग है, और इनके मूल्य भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से हम इन नोटों को देख करके हम पहचान पाते हैं कि ये कितने रुपए के नोट हैं, और इनका प्रयोग हम अपनी वस्तुओं को खरीद बिक्री में करते हैं। धन्यवाद।